इफ्रा बाजी, इफ्रा बाजी, इफ्रा बाजी, क्या हो गया? खैरियत है? खैरियत कहाँ होती है इस घर में? आपकी शादी के कार्ड छप चुके हैं। बुलाया अब्बा ने आपको। आपका कुछ नहीं हो सकता इफ्रा बाजी, क्योंकि अपनी दुश्मन आप खुद बन चुके हैं। क्या करूं मैं? सुन लेती हूँ अब्बा की बात। खुदा के लिए इफ्रा बाजी, अपनी अम्मी के पास वापस चली जाएं, या साहिर भाई को फोन कर दें, वो आकर खुद सब कुछ संभाल लेंगे। दिन तो लगता है जैसे पर लगा के उड़ रहे हैं। इफ्रा की शादी तो सर पे आ गई है, मेरे तो जी हाथ पैर फूल रहे हैं। तुम तो ऐसे परेशान हो रही हो जैसे तुम्हारे सर पे आ गई है। सीधी तरह क्यों नहीं कहती हो कि हॉल उठ रहे हैं तुम्हें मुझे पैसा खर्च करते देखकर? आओ। अब्बा आपने बुलाया? हाँ आ जाओ, जरूरी बात करनी। मैं कल कराची जा रहा हूँ 2-4 दिन के लिए, एक जरूरी काम है। मेरी गैर मौजूदगी में अगर तुम अपनी माँ से मिलना चाहो, उसे बुलाकर तो मिल सकती हो, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन मुझे इतना पक्का पता है कि वो बेवकूफ औरत है, वो इंतहाई हट धर्म और जिद्दी औरत है, और वो खामखा इस रिश्ते पर एतराज करे। आएगी नहीं वो, लिखवा ले मेरी बात। उसने तो इसे यहाँ भेज के जान छुड़ाई है अपनी, एक बार भी पलट के पूछा है बेटी का हाल? तुम चुप नहीं रह सकती, हर बात में बोलती हो, तंग आ गया हूं तुम्हारी चिक 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 से। मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें यहाँ आना चाहिए। लो, ताकि वो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दे कि बेटी की जबरदस्ती शादी की है, बाप हवालात में बंद हो जाए। पागल हो गई हो तुम, दिमाग ठीक है तुम्हारा? बाप हूं मैं उसका, वली हूं, जहां चाहूं उसकी शादी कर सकता हूं, किसी को क्या एतराज हो सकता है इसमें? अब्बा मैं जाऊं? हाँ सुनो सुनो, वो तुम्हारे नाना ने तुम्हारे नाम कुछ प्रॉपर्टी की थी, उसके कागजात पड़े हुए, मतलब तुम्हारे पास ही है ना? वो तो शायद बाबा ने सेल कर दी थी। अच्छा ठीक है, जाओ जाओ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आजकल कुछ ज्यादा देर से नहीं आ रहे हो घर? अपने आराम के लिए भी वक्त निकाला करो, वरना सेहत खराब हो जाएगी। अम्मा माशाल्लाह आजकल बिजनेस फैल रहा है तो काम भी बढ़ रहा है, और ये सब आपकी दुआओं की वजह से हुआ है। खुदा ने चाहा तो और तरक्की करोगे, मैं तो हर वक्त तुम्हारी जिंदगी और कामयाबी के लिए दुआएं करती हूँ। इसकी सेहत का जरा ख्याल रखा करो तुम, तुम्हें तो शौहर की परवाह ही नहीं है, देख नहीं रही हो कितना कमजोर होता जा रहा है? औरत की जिंदगी शौहर के दम से है, बेटी तो पराया धन है। ये लो, फोन उठाने की इतनी जल्दी थी, मेरी बात का जवाब तक देना गवारा नहीं किया। इफ्रा का ही होगा फोन।